तो फ्रेंड पिछली बार बताया मैंने आपको कि जो हमारा बॉल वी हाइव है उसको लिफाई कैसे करनी है, तो कर ली। और उसके बाद क्या करना आपने, बिल्कुल उसको सूखा होने देना है। उसके बाद जो हमारी लोकल बीज है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या क्या करना है इसमें के लिए, तो पहले क्या करना आपने, ये बंक के पत्ते हैं इसको लगाना आपने इस तरह से सूखा होने के बाद। और ये जो शहद खोने के बाद बचता है हमारा कॉम, इसको आपने जलाना है और इसके साथ थोड़ा कोयला मिक्स करना है और इसको इस जगह से रगड़ना है इस तरह से, तभी आपका कलर ब्लैक हो जाएगा। और इस तरह से और इस तरह से आपने अंदर से भी यही फार्मूला ट्राई करना है। ये देख सकते हैं आप, इसको आपने इस तरह से रगड़ना है ऊपर भी और आगे भी सब जगह, और जो भी होल बचते हैं आपके बिल्कुल आपने गोबर और मिट्टी से लिपाई करके रखने हैं। और जो ऊपर है इसका टॉप बार, इसमें भी आपने इसको जलाना है थोड़ा हल्का से गर्म करके, इसको आपने इस तरह से लगाना है आपने लाइन लाइन लगा के। नंबर एक फार्मूला ये हो गया। नंबर दो, जो हमारा जैसे मान लो मधुमक्खी के छत्ते पुराने होते हैं खाली, ये आपने पहले जो आपके पास अगर होंगे तो बचे हुए छत्ते आपने फ्रिज में रखने हैं। जिस टाइम आपके बीज आने का सीज़न होता है, जैसे मान लो स्वार्मिंग टाइम होती है, उस टाइम में ये आपके काम आएंगे। आपने दो तीन ऐसे छत्ते इसमें एडजस्ट करने, दो भी काफ़ी है बीज को आकर्षित करने के लिए, आपने दो लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मधुमक्खियाँ बॉक्स में जल्दी से जल्दी आएगी। तो पहले मेरे पास में मधुमक्खी नहीं थी और मैंने क्या किया था, जो एक ओल्ड कॉम इसमें लगा के रखे थे, और आज 5 साल हो गए इसमें मधुमक्खियाँ चली हुई है और इसमें मधुमक्खी भी खुद ही आ गई थी। और ये बॉक्स तैयार हो गया, जो ये मैंने अपना लोकल जुगाड़ किया है, क्योंकि काफ़ी से फ्रेंड क्या करते हैं यहाँ पर कब्जे लगाते हैं। कब्जे लगाने से क्या होगा कि हम शहद निकालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि शहद निकालने के लिए पूरा ये ढक्कन इस तरह से हल्के हल्के से निकालना पड़ता है। अगर आप इसमें कब्जे लगाएंगे तो इस तरह निकालेंगे आप, तो क्या होगा कि आपका कॉम इसके साथ सारा ही आएगा बाहर। आपने क्या करना है, ऐसा ही करना आपने, सिंपल ढक्कन लगाना आपने और साथ में ये चार लकड़ लगाने आपने, तो ताकि बाहर ढक्कन ना निकले। और ये मैंने वेंटिलेशन रखा है, इस गीला नहीं होगा अंदर से। और सर्दी में क्या करना आपने, इस छेद को बंद करना है गोबर और मिट्टी से, जैसे आपका अप्रैल आएगा फिर आपने इसको निकालना है। और ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया है, आप भी ऐसा ही फार्मूला ट्राई करें ताकि आपके घर में भी मधुमक्खियाँ आ जाए। और आपने जब भी आपके बॉक्स ऐसे तैयार हो गए, 3 4 5 जो भी बॉक्स बनाते हैं आप, इस तरह के बॉक्स आपने गौशाला में रखने हैं, आप घरों में रख सकते हैं, खिड़कियों के ऊपर रख सकते हैं। इससे क्या होगा, मधुमक्खियाँ आप खुद ही आ जाएगी। और एक ध्यान रखना आपने, मधुमक्खियाँ आजकल जैसे हाइट में जाती है, तो आजकल जो हाइट वाले लोग हैं उनके वहाँ मधुमक्खियाँ जाएगी, और जो हमारे लो एरिया होता है जैसे गर्म एरिया, वहाँ पर आपके अगस्त के बाद ही मधुमक्खियाँ आनी स्टार्ट होती है। तो जो मैंने आपको बताया, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।